आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी प्रेस का जो वायर है वो यदि बदलना चाहते हैं तो कैसे बदल सकते हैं। आपके पास किसी भी प्रकार की प्रेस हो सकती है, आप उसका वायर आसानी से बदल सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि अधिकतर जो प्रेस होती है उसके वायर ही खराब होते हैं। आप इसको बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके पास कोई भी प्रेस हो सकती है उसका जो पीछे वाला जो ढक्कन है उसको यहाँ पे खोलना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो प्रेस है इसका जो पीछे वाला ढक्कन है उसको मैं खोल देता हूँ। और खोलने के बाद यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो लाल है और जो काला वायर है वो कहाँ पे, वो यहाँ पे आपको ध्यान से देख लेना है क्योंकि ये दोनों हमारे सप्लाई वायर होते हैं। और जो हरा कलर है वो यहाँ पे अर्थिंग होता है, तो यहाँ पे लाल और काला वायर कहाँ पे है वो यहाँ पे आपको देख के खोलना है। सबसे पहले यदि आपका जो वायर है वो अंदर की ओर है तो यहाँ पे ढक्कन को भी खोलना होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका जो ऊपरी भाग निकाल देता हूँ और निकालने के बाद यहाँ पे ये जो स्क्रू है इससे मैं हैंडल भी खोल देता हूँ ताकि जो वायर है वो आसानी से मैं लगा सकूँ। ऐसे तो हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं परंतु ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे मैं पूरा हैंडल निकाल देता हूँ। और निकालने के बाद अब हमें ध्यान से ये देखना है कि हमारे जो वायर है वो कौन से कहाँ पर लगे, वो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दो वायर है जो कि सप्लाई वायर है जो कि लाल और काला वो यहाँ पे कॉइल के साथ जुड़े हुए, तो यहाँ पे हमें इसको ऐसे खोल देना है। और खोलने के बाद उसका जो ऊपरी वाला रबड़ है उसको भी हमें निकाल देना है। और निकालने के बाद अब हमने मार्केट से नया वायर ला लिया जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो रबड़ है वो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे जो लाल और काला है वो कहाँ पे थे वैसे मैंने लगा लिया। और यहाँ पे हरे की जगह मेरे पास अर्थिंग का जो पीला वायर है वो यहाँ पे मैंने अर्थिंग के साथ लगा लिया है। आपको भी ऐसे लगा लेना है। और उसके बाद आपने जैसे इस ढक्कन को खोला था वैसे यहाँ पे आपको फिट कर लेना है। और फिट करने के बाद अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपकी जो प्रेस है वो सही से काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको चेक कर लिया तो सही से काम कर रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।